बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से भाई? आप हज़रात ठीक ठाक है भाई? माशाल्लाह मैं आज बड़ी तारीखी जगह पे हूँ, बड़ी तारीखी मस्जिद है और मेरे साथ मौलाना एहतमाम उल हक थानवी साहब मौजूद हैं। ये मौलाना तमीम उल हक थानवी साहब के साहबजादे हैं, हमारे दोस्त हैं और जब भी मैं आता था ये कहते थे यार आप टाइम निकाल के आएँ। तो आज बस मैंने कहा मिलना ही है, तो आज इस तारीखी मस्जिद में हूँ और इस तारीखी मस्जिद का पस मंज़र जो है मैं चाहता हूँ यही बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बुनियादी तौर पर ये जो है 1911 में ये मस्जिद इसकी बुनियाद रखी गई थी और फिर ये जो अभी आप तामीर देख रहे हैं ये इसकी नई तामीर है जो कि 1960 में हुई थी। तो फाउंडेशन के अतबार से तकरीबन 109 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को हो गए हैं और 1960 में हमारे दादा हज़रत मौलाना शाह उल हक थानवी रहमतुल्लाह ने इसकी जो मौजूदा सूरत शक्ल है इसकी 1960 में इसको शुरू किया बनाया। तो हज़रत मौलाना एहतमाम उल हक थानवी साहब बहुत बड़ी शख्सियत और उनकी आके उनके घर अपना फातिहा पढ़ लेते हैं, दुआ करते हैं, फिर आगे चलें। उस वक्त की एक इंफरादी मस्जिद थी कि बगैर सुकून के इसका हॉल है। अच्छा, 1960 में जी इसके सुकून नहीं है। 1960 में मालूम शायद ये पहली मस्जिद थी या शायद बगैर सुकून के। अब तो माशाल्लाह बगैर सुकून की मस्जिद काफ़ी है। ठीक है, आप सब खैरियत से? पिछले 10-12 साल से कायम है। अच्छा, और भी एक आवामी खिदमत से वो ये बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि सारे वो ईदी सेंटर और सुराब गोड लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा काम ज़रूरत थी माशाल्लाह, उसकी वजह से काफ़ी इसमें दुआएँ शामिल हैं। यहाँ पर 10-15 साल अभी कायम है और अब हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि एक इस्लामिक स्कूल का क्याम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे वालदे नाम से है और लुबीना फाउंडेशन और कैम्ब्रिज और मैट्रिक सिस्टम भी इस्लाम। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आपके इकराम का। लेकिन जानो पूरे कराची में पहली दफ़ा किसी ने कॉफ़ी पिलाई है और इन्होंने घर से बनवाई थी और बेहतरीन कॉफ़ी थी, इससे मेरा गला जो है वो ठीक हो गया। तो अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए और आपसे दीदी मोहब्बत हो गई है और इंशाल्लाह जब जब इस बात के आधार यही है और इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आएंगे, आप लोगों में मुलाकात होगी।